मतलब कि जवान जवान थे, मेरे से भी हत्या करते ये थे, लेकिन वो वक्त सोचता हूँ ना तो जरा दिल कमजोर हो जाता है, बस दूसरा कुछ। मेरा नाम देशराज ज्योत सिंह है, मैं 86 से रिक्शा चला रहा हूँ। 24 साल से तो मैं रिक्शे में रहता हूँ, ऑटो ही घर बना लिया मैंने। कपड़े लगते मेरे गाड़ी में रहते हैं, नहाने धोने के लिए शौचालय है, वहाँ पर जाकर के नहा धो करके मैं फ्रेश होकर के निकल जाता हूँ। बारिश होने के टाइम पे पर्दे लगा दिए, काम से आए पर्दे लगा दिए, अपना आराम से अंदर में हो गए। कभी कभी बैठ के भी निकालना पड़ती है, रात गर्मी में जरा बनियान बनियान निकाल करके सो तो बहुत अच्छा लगता है, हवा चलती है बहुत अच्छा लगता है। मेरे को थोड़ी आमदनी ज़्यादा होती है तो फिर जो हैं फुटपाथ पे रहने वाने वाले उनको बांट देता हूँ कुछ ना कुछ की, भाई कि खाओ पियो आराम से रहो, तो वो भी इज्जत ही करते हैं, बाकी क्या कर रहा हूँ, सब इज्जत के ऊपर चल रहा हूँ। मेरे 3 बेटे और 1 बेटी, बेटी सबसे बड़ी सोना, सचिन, संजय और सुनील। 5 साल पहले मेरा बड़ा लड़का सचिन गुजर गया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद दूसरा जो बीच वाला लड़का संजय सुसाइड कर लिया कार स्टेशन पे। वो सोचता हूँ तो जरा दिल कमजोर पड़ जाता है, मतलब कि जवान जवान थे, मेरे से भी हत्या करते ये थे, लेकिन वो वक्त सोचता हूँ ना तो जरा दिल कमजोर हो जाता है, बस दूसरा कुछ नहीं। फिर भी मैंने वो टाइम पे मतलब कि जो भी वक्त मिला तभी भी मैं गाड़ी चला करके कुछ ना कुछ घर पे दिया ही दिया, ताकि ऐसा कोई महसूस न करे। तभी भी मैंने गाड़ी चलाई, मैं बैठ के नहीं रहा। बच्चे जो हैं, बच्चों के बच्चे ये होने के बाद उनकी दादी के पास गांव में छोड़ दिया, और वहीं पर पढ़ा रहा हूँ, वहीं पर लिखवा रहा हूँ उनको, बस यही है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उनका पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं। बात ऐसी है कि अगर मैं वहाँ चला गया, वहाँ पर कोई ऐसा काम धंधा है नहीं, और मैंने वो ड्राइविंग सीखी नहीं, खाली ऑटो सीखा है, तो मैं खेती वेती भी मेरे को आती नहीं, तो फिर मैंने बोला यही ठीक है, इसी की आमदनी से जो कुछ बनता है चलना चाहिए। अभी उनको भी मालूम है कि अगर दादाजी बैठ गए तो फिर हमारा भी जो है डाबाडोल हो जाएगा मामला, ऐसे तो ऊपर वाले की दया है, उनकी फीसें उसे जो है स्कूल की वो माफ करा दी है प्रिंसिपल लोगों ने, उस हिसाब से वो उनका भी मेरे पे एहसान बहुत है। अभी मेरी पोती जो है 10वीं में पढ़ रही है, उससे बातचीत किया तो बोली पढ़ूंगी तो मेरा बीएड बनाने का उसका मकसद है कि वो बीएड एक बार बीएड कर ले तो टीचर अपने पैर पे खड़ी हो जाए, बस। पूरा लॉकडाउन मैंने काम किया है, ये पुलिस वाले भी जानते हैं, खार पुलिस स्टेशन वाले भी, और ये सब हॉस्पिटल वाले भी जानते हैं, ये नर्स लोग को छोड़ना, फिर कोई कोई डॉक्टर नहीं है इन लोग को छोड़ना, सब मैं करता था, पेशेंट लोग को भी मैं लेके जाता था। ये छोटा वाला लड़का और उसकी वाइफ जो है बहू, तो इधर ही बम्बई में रहते हैं, किराए के घर पे रहते हैं, रूम का भाड़ा भी 10,000 है, और अभी लॉकडाउन की वजह से उसका नौकरी भी छूट गया। मैं ऑटो में रहता, मैं उनके साथ में नहीं रहता है, और साल में एक बार गांव चला जाता हूँ, बच्चों के साथ में मिलजुल करके आ जाता हूँ। मैं सोचता कि अगर मैंने घर में लेने करके रहने लगा तो 2-4 हज़ार रुपये भाड़ा देना पड़ेगा, उससे अच्छा जो है वो बच्चों के काम आए, वो हिसाब से मैंने अभी तक रूम नहीं, कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वही पैसा बच जाए तो बच्चों के काम आ जाए। मेरे जैसे तकलीफ मन मत निकालना, बस यही प्रार्थना है मेरी कि बच्चे लोग पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, कुछ ऐसी भी नहीं है कि उनकी तरफ से मेरे को शिकायत मिलती है, सब अच्छे पढ़ते हैं, जो कुछ है सब बच्चों के नाम। अभी कई लोग मिलने जुलने आ रहे हैं तो बोले आपका अकाउंट, मैं बोला वही सब अकाउंट है मेरा,
मुझे विश्वास है कि वो बच्चे मेरे को मतलब कि आगे देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो कम से कम दो टाइम की रोटी तो दे सकते हैं। तो ये सोच करके क्या करना है मैंने अपने नाम से रख करके। हर रोज की कमाई ये है कि इस समय तो कमाई का कुछ ज़्यादा ये नहीं है, पहले 700-800 बन जाते थे तो ठीक चलता था, लेकिन अभी 350-400 तक या 500 तक बन जाते हैं, तो उसमें मैं अपना खर्चा भी एक निकालता हूँ, फिर जो कुछ जमा करता हूँ 2-3 हज़ार रुपये वो बच्चों लोग को भेज देता हूँ। ये अब घर की परिस्थिति के हिसाब से मैं आरंभ करने का नहीं सोचता हूँ, कि मैं घर की जो परिस्थिति चल रही है उस वजह से मैं आरंभ नहीं करता। जब तक मेरे जो हाथ पैर चलेंगे, जब तक मेरे में ताकत है चलाने की, तब तक मैं चलाता रहूँगा, और जब अगर कुदरती बैठ गया तो वो अलग बात है। ये जो मेरे साथ होता गया ना, मैं एक बुरा सपना समझ करके, भाई कि होता है दुनिया में मेरे से भी मतलब कि ज़्यादा किसी के ऊपर तंगी आई है या कुछ, तो वो लोग भी तो दिन निकालते हैं, तो मैं क्यों अपना दिल छोड़ दूँ, मैं भी मजबूत हो जाए उनको देख करके, मैं ऐसा अपना सोचता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ ताकि कल को मैं ना रहूँ तो कम से कम मेरा नाम तो निकालेंगे। अकेलापन के लिए नहीं, आदत सी पड़ गई, और दूसरा क्या है कि सुबह शाम जो मेरे साथ में ऑटो चलाते हैं ना, सभी पापा जी बोल करके, तो क्या है उनसे दिल लगा रहता है मेरा, तो मैं अकेलापन महसूस नहीं करता। मैं ये अपने बच्चों से ज़्यादा क्लोज हूँ।